हार्दिक पांडे कप्तानी के लिए बीसीसीआई की पहली पसंद नहीं है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रोहित शर्मा के बाद बीसीसीआई हार्दिक पांडे की जगह श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का कप्तान बनाना चाहती थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीसीसीआई के पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद का कहना है कि एक खास प्रोसेस के थ्रू अय्यर को तैयार किया जा रहा था, लेकिन उनके कुछ गलत डिसीजन की वजह से उनके करियर पर गलत असर पड़ा। एक समय में उनको फ्यूचर कप्तान देखा जा रहा था, वही आज वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्टैक्ट से भी बाहर हो गए हैं। दरअसल बीसीसीआई के बार बार वार्न करने के बावजूद अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीसीसीआई उनसे नाराज हो गया और आज वो टीम इंडिया में वापसी भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर से क्या गलती हुई कमेंट बॉक्स में बताओ।